डियर स्टूडेंट्स, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। आज के न्यूज़पेपर में सारी की सारी अपडेट आपको बताने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आ पाएंगी। सबसे पहले तो आज का न्यूज़पेपर आप चेक कर सकते हो, नखलाऊ सिटी, 27 सितंबर 2023 का ये न्यूज़पेपर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज ही का न्यूज़पेपर है 27 सितंबर का। यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 25 लाख युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, 372 करोड़ रुपए की पहली किस्त है वो जारी कर दी गई है। इससे पहले मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, सचिव ने आदेश दे दिए, यहाँ पर आपको दिखता होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मिल सके सारी जानकारी। आपके यहाँ कब मिलेगा वो अभी मैं बता दूंगा, देखिए टेंशन ना लो। सभी ज़िलों के बारे में बात की गई है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कब मिलेगा, इसमें ओपनली सभी के लिए बात की गई है। सचिव का आदेश है, आज का न्यूज़पेपर चेक कर सकते हो। देखिए भाई, बोला जा रहा है प्रदेश के 25 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आज के न्यूज़पेपर में चेक करते हो आप लोग, स्मार्टफोन की सप्लाई के लिए जेम पोर्टल के जरिए 4 कंपनियों का चयन किया गया है, जिसकी अगर हम बात करें 3.75 लाख युवाओं लाख स्मार्टफोन, यानी कि बोला जा रहा है स्मार्टफोन की पहली किस्त जो आप लोगों की है 1 माह में मिल जाएगी, ठीक है। अब समझो बोला क्या जा रहा है, और करीब 372 करोड़ रुपए की स्वीकृति शासन है वो शासन ने दे दी है। मंगलवार को अनुसचिव अनीता जी, देखिए सचिव यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इनका, अनीता चौधरी ने आयुक्त एवं निर्देशक उद्योग को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। सचिव का नाम देख सकते हो, सचिव ने आदेश जारी कर दिए शासनादेश के, ठीक है। तो एक बात कन्फर्म हो गई, सचिव ने आदेश जारी कर दिए, अगले महीने से 1 महीने में किस्त मिल जाएगी, अगले महीने से टैबलेट वितरण शुरू हो जाएगा। काफ़ी कॉलेजों में वितरण हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें आप लोगों की, ठीक है। तो कॉलेज के संपर्क में भी रहेंगे, जैसे कि सच भी बोल चुके हैं यहाँ कि अगले महीने से वितरण शुरू हो जाए, लेकिन आपके कॉलेज वाले कितने एक्टिव हैं, कॉलेज वाले भागदौड़ी करते हैं नहीं करते हैं टैबलेट के लिए, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, ठीक है। यूपी डेस्को ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन व टैबलेट के मुफ्त वितरण की जिम्मेदारी दी है, किसको, जो आपके कॉलेज वगैरह हैं उनके लिए, ठीक है। देख सकते हो स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीद के लिए देखिए 9972 रुपये प्रति स्मार्टफोन, मतलब 9972 रुपये, लगभग 10,000 रुपये का स्मार्टफोन रहेगा आपका। साथ ही अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो किन किन कंपनियों का मिलेगा, देखिए सेलकॉन, इम्पैक्स और एनएफएक्स, यहाँ पर देखिए ये सैमसंग हो गई आपकी, स्मार्टफोन की सप्लाई के लिए चुना गया है। यहाँ पर देखिए इंसेंटेड और जो आपका है सर्विस है आपकी लाबा ब्रांड को भी चुना गया है, तो ये भी आप देख सकते हो। सचिव की बात करें, सचिव हमारे ये बोल चुके हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं, अगले महीने से बोला है इन्होंने टैबलेट मिलना बच्चों को है, पहली किस्त है वो टैबलेट की भेज दी गई है। और इन्होंने बोला है इस तरह ये चारों कंपनियाँ 25 लाख स्मार्टफोन का सप्लाई करेंगी, 25 लाख स्मार्टफोन बना रही हैं कंपनियाँ। तो आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियरली बताई हैं टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर, आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है, चेक कर सकते हो। तो आप लोग करोगे हमारे यहाँ कब मिलेगा, देखिए सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अब आपके कॉलेज वाले इसको लेकर कितना सतर्क हैं, आपके DM साहब कितना इसको लेकर सतर्क हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके DM कितने एक्टिव हैं, आपके कॉलेज वाले कितने एक्टिव हैं कि हाँ भागा दौड़ी करेंगे शासन के लिए, तो आपको टैबलेट मिल पाएगा। लेकिन बोला जा रहा है अगले माह में इनकी जो किस्त जारी कर दी गई है, अगले माह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। हालांकि कई कॉलेजों में हो भी रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।